नमस्कार, रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी वारदात सामने आई है। बता दें कि मकान मालिक के पेट में मारा चाकू, नाबालिग बोला गेट तोड़ दूंगा, महिला के रोकने पर हुआ नाराज और किया हमला। रायगढ़ में एक नाबालिग ने अपने ही मालिक के पेट में चाकू घोंप दिया। आरोपी अपनी माँ से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि मैं घर में लगा गेट तोड़ दूंगा। इतने में मकान मालिक की पत्नी रोकने पहुंची, मगर आरोपी नाराज हो गया। उसने महिला के पति पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। इस मामले में पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से शिकायत की थी। उसने बताया कि सोमवार को जब वह घर में थी, तभी उसने देखा कि उसके यहाँ किराए में रहने वाली महिला और उसका बेटा आपस में झगड़ रहे थे। किराएदार का बेटा बार बार यह कह रहा था कि मैं गेट तोड़ दूंगा। महिला ने बताया कि यह देखकर मैंने उससे कहा कि गेट क्यों तोड़ोगे, ये हमारा है, मगर वह मुझसे ही विवाद करने लग गया। यह देखकर मेरे पति श्यामानंद प्रधान भी वहां आ गए, लड़के को समझाइश देने लगे, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद उसने मेरे पति पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसका उपचार मेडिकल कॉलेज में जारी है।